गुड मॉर्निंग गाइज, मैं निशा शाम ब्लॉग यू के जरिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो गाइज आज की वीडियो इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि मम्मी बनाएंगी आज चटनी, और वो कौन सी मुझे भी नहीं पता, तो मम्मी बताएंगी आपको कौन सी। बस मुझे मम्मी ने इतना कुछ दिया है कि वो पहाड़ी स्टाइल में बनाई जाती है, तो उससे आपको हम दिखाएंगे कैसे बनाते हैं चटनी। उससे पहले मैं नहा के आ जाती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं नहा के आ चुकी हूँ, और ये देखो आसमान में पूरे काले बादल छा रखे हैं। अब तो बारिश आने वाली है, मज़ा आ जाएगा चटनी खाने में फिर तो। और देखो मौसम कितना बढ़िया लग रहा है। तो गाइस ये देखो मम्मी देखो क्या कर रही, लैपटॉप में बिजी है अभी, मम्मी बिजी हो ना। और अब हम अमित के पास चलते हैं, अमित सिंह कर रहा है पढ़ाई, बहुत पढ़ाकू बच्चा है, फिर भी मारते ही नहीं है। तो देखो वो अमित भी आ गया, पढ़ाई कर रहा था, अमित भी आ गया इधर। और टमाटर लहसुन अच्छी तरह फ्राई करके फिर वो दाल भिगा रखी है, फिर ये धनिया। तो अब डाल रहे चना दाल जो हमने भिगा रखा था, उसे डालेंगे। जीरा मसाला ज़्यादा डालना है क्या? हाँ थोड़ा नमक डाला। अब इसको अच्छे से डालेंगे, हाँ अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। फिर तो इसके बाद मिक्स करने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोग इसमें धनिया डालेंगे। तो अब हमने इसमें धनिया डाल दिया है। रेडी हो चुका है, अब इसे थोड़ा थाली में रखे हम ठंडा करेंगे, ताकि मिक्सी में बाद में पीसेंगे। अभी गरम गरम है ना ये, ठंडा हाँ। होने देते हैं, फिर पीस के फिर दिखाते हैं कैसी बनती है। तो गाइस ये देखो हमने थाली में रख दिया है ताकि ठंडा हो जाए, इसलिए हमने पंखा भी चला दिया। देखो गाइस हम लोग देख रहे हैं अपना चैनल, तो गाइस अब हो चुकी है शाम। जब तक चटनी ठंडी होती तब तक हम लोगों ने इंजॉय किया, लैपटॉप पे अपना चैनल देखा। और अब मैं अमित के पास चलती हूँ, देखते हैं क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है ये दिख नहीं रही, अभी तो पढ़ाई कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा है। ये बुक्स रख रहा है शायद से, मैं चुपचाप जाती हूँ, देखना लिए मुझे देखे ना गाइस। चुपचाप इसकी वीडियो बनाते रहे तो ऐसा हम पता नहीं चलेगा ना सही। कैरम के पीछे क्यों छिप रहे हैं, क्या हो गया, मम्मी मारने वाली है क्या? ना मैं योद्धा हूँ। योद्धा तभी छुप रहा है ऐसे पीछे, कौन छुपता है ऐसे? योद्धा पता नहीं गाइस, मैं यहाँ पे मतलब बैठी हुई थी, अचानक से पीछे छिप रहा है, मैं कह रही आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो पीछे उलट के देखा तो ये अमित है कैरम के पीछे छिप रहा है। तो मम्मी डाल रही है मिक्सी में जो भी हमने बनाया था, अब इसे ऑन करके हम इसको पीस देंगे, अच्छे से पेस्ट कर देंगे, फिर हमारी बन जाएगी। तो ये देखो गाइस हमारी चटनी बन चुकी है, ले टेस्ट करके देख। हाँ तो गाइस अभी मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसी बनी है। तो अब हम लोग खाए खाना, और मम्मी प्याज की सब्जी के साथ। तो गाइज अब टाइम आ चुका है वीडियो एंड करने का, पर उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। तो ये डिश आप प्लीज़ अपने घर में भी ट्राई करना, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।